नमस्कार और स्वागत है आपका डेटलाइन गुजरात के ये डिजिटल वीडियो न्यूज़ बुलेटिन में। दुनिया भर में खबरें, खबरों की दुनिया, क्या हो रहा है दुनिया में देखिए। तो ज़्यादातर जो हेडलाइंस है पूरे विश्व में वो अभी भी सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर है। इसका असर अब सिडनी से लेकर न्यूयॉर्क तक देखा जा रहा है और पूरी दुनिया की जो मतलब रेटिंग एजेंसीज है वो इसके बैंक्स के रेटिंग्स को लेकर कुछ नई घोषणाएँ कर सकती है, ऐसी संभावित बातें हो रही है। बॉन्ड मार्केट में इसकी असर देखने लगी है, यूके बॉन्ड मार्केट में, और टेक्नोलॉजी कंपनीज खास करके जो स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो ज़्यादातर डेट के ऊपर सर्वाइव करती है तो वहाँ पे भी अभी इसकी असर देखने को मिली। हालांकि भारतीय बैंकिंग सिस्टम इससे कुछ इसकी कुछ खास असर नहीं है जैसे कहा गया है, लेकिन ज़्यादातर इसकी असर विश्व के शेयर बाज़ारों में और मनी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट्स इसको मॉनिटर कर रही है, ज़्यादातर सरकारें दुनिया की इस पूरी क्राइसिस को मॉनिटर कर रही है, और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कि यूएसए की एक संस्था है उसने वहाँ के जो बैंक में जो निवेशक होते हैं उनको भरोसा दिलाया है, निवेशक तो नहीं कहूँगा पर जो डिपॉजिट रखते हैं बैंक में, क्योंकि निवेशक इन्वेस्टर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स नहीं बल्कि जिन्होंने बैंक में पैसा रखा है डिपॉजिटर्स, उनको बोला गया है कि आपकी डिपॉजिट सेफ है और आप जो ब्रिज बैंकिंग फैसिलिटी क्रिएट की गई है उसके जरिए आप अपना पैसा मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप देखने जाए तो राजनीति सब जगह पे एक जैसी ही होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेता माइक निकाल के खड़े हो जाते और फिर बोलते हैं कि दोस्ती बनी रहे, लेकिन ऐसा हुआ जो बाइडन के साथ, जिसे किसी ने पूछा सिल्वर वैली बैंकिंग बैंक के कोलैप्स के बारे में और उन्होंने कुछ जवाब देने से वो चले गए, लेकिन हाँ उन्होंने इसका जो ठीकरा है वो फोड़ा है डोनाल्ड ट्रंप पे कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये SVB की क्राइसिस हुई है। तो दुनिया में पॉलिटिक्स मतलब यही होती है राजनीति अगर आप देखने जाए नटशेल में। बट अगर आप एक रुख करें सिल्वर वैली बैंक कॉरपोरेशन जो है, सिल्वर वैली बैंक उसके जो एम्प्लॉयज़ है, उसके जो टॉप नॉच एम्प्लॉयज़ है उसके तरफ अगर हम रुख करें तो ये पता चलता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ उसमें जो टॉप पोजीशन पे थे वो लेमन ब्रदर्स में भी थे। तो लगता है कि ये एक्सपर्ट्स उन्होंने हायर किए होंगे जो ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब एक बैंकिंग सिस्टम फेल हुई है जिसमें लोग अगर टॉप पोजीशन पे थे तो ऐसे लोगों को क्यों लिया जाता है, किस वजह से, क्योंकि वो वहाँ पे भी रह के कुछ ठीक नहीं कर पाए तो यहाँ पे रह के तो और बिगाड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ये है। तो इस वजह से अगर आप देखने जाए तो पूरा का पूरा एक नज़रिया इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री होते हैं, दुनिया के एनालिस्ट होते हैं, स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट, मनी मार्केट के एनालिस्ट, ये सब नज़र बना के बैठे हैं जो पूरी जो आर्मागेडन सिचुएशन खड़ी हुई है बैंकिंग सेक्टर को लेके यूएसए में, जिस तरीके की तबाही हुई है फिनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट में, तो उनकी नज़र, उनकी पैनी नज़र उस पर है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है। जी जिनपिंग चाइना में ऐसा बोले हैं कि ग्रेट मिलिट्री, चाइना मस्ट हैव अ मिलिट्री लाइक अ ग्रेट वॉल ऑफ स्टील, मतलब एक मिलिट्री नेशन बनना चाहिए चाइना, एक बड़ी दीवार होनी चाहिए स्टील की, इतनी मजबूत मिलिट्री होनी चाहिए। उसको लेके जिस तरीके से कल अक्कूस की जो लीडरशिप थी उसके, जहाँ पे तीन मुल्कों के जो लीडर US, UK और ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर्स इकट्ठा हुए थे और सबमरीन डील, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील जिस तरीके से हुई है साउथ एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना के ऊपर एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए उसकी एक्टिविटीज़, और ये सबमरीन खास प्रकार की है जो कई दिनों तक मतलब समंदर में रह सकती है, तो ये एक पूरा जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और सभी नेताओं ने मतलब कहा कि रशिया और चाइना जिस तरीके से एक पूरा 3D का जो एक एग्जांपल दिया गया, डिसऑर्डर, डिवीजन और डेंजर जिस तरीके से पूरा लेके आ रहे हैं 3D, जिसको बोलते डेंजर, डिसऑर्डर एंड डिवीजन, तो उसकी चलते जो बात हुई उसमें कहीं ना कहीं जो बाइडन ने ऋषि सुनक को जब व्हाइट हाउस आने के लिए इनवाइट दिया, ये बात जब मीडिया में आई तो सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स मीडिया में चलने लगी कि जी जिनपिंग रशिया जाने वाले हैं। अब ये डेवलपमेंट्स ऐसे माहौल में आ रहा है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में डिप्लोमेसी अपनी चरम सीमा पे है विश्व भर में, क्योंकि रशिया और चाइना की जिस तरीके से हरकत है तो कहीं ना कहीं एक धरी और एक धुरा बनती जा रही है जिसको बोलते हैं ट्राइपोला वर्ल्ड, USA है, रशिया है और चाइना है, एक तरफ रशिया और चाइना, एक तरफ USA है और उसके साथ दूसरे राष्ट्र जितने भी हैं। तो ये ऐसे समय पर यह सब आ रहा है कि थोड़े दिनों पहले क्वाड के इम्पोर्टेंट जो मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बनीज जो इंडिया होके गए, विजिट की उन्होंने इंडिया की, उसके बाद वो लंदन गए, न्यूक्लियर सबमरीन डील जिस तरीके से घोषित हुई, ये सब हुआ, और आगे आते ही अभी देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्वाड के इम्पोर्टेंट एक लीडरान जो है जापान के
फुमियो किशिदा वो आने वाले हैं भारत में। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है डिप्लोमेसी अपनी चरम सीमा पे पूरे विश्व में। आगे बढ़ते एशिया में क्या रहा हो रहा है, तो एशिया में पाकिस्तान के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनके समर्थक और पुलिस के बीच भीड़ हो गई है, मतलब एक भिड़ंत हो गई है वहाँ पे, क्योंकि आज इमरान खान को तोशाखाना का जो मामला है करप्शन का, उसके मामले में पुलिस उनको गिरफ्तार करने वाली थी। लाहौर में वो एक बड़ी रैली संबोधित करने वाले थे और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया जाने वाला था। तो एक भिड़ंत हो गई है इमरान के समर्थकों के बीच और पुलिस के बीच। आगे देखते क्या होता है। टर्की में जिस तरीके से भूकंप आया और कुछ 50,000 लोगों की जान चली गई, ऐसी बात है, तो उसके चलते ऐसी बात आ रही है कि आने वाले चुनाव जो मई के महीने में है, उसमें जो वहाँ के लीडर है, टर्किश लीडर, उनको शायद समस्याएं हो सकती है एडोगन को, कि वो शायद आए या ना आए, क्योंकि ऐसे हालात ब्राज़ील में भी हुए। ब्राज़ील में बोलसोनारो के खिलाफ कुछ मतलब लोगों ने ज़ोरों से प्रदर्शन किया है, क्योंकि कोविड के चलते कुछ 5 लाख लोग मर गए ब्राज़ील में, तो इसकी वजह से वहाँ के जो शासक हैं उनके सामने भी प्रदर्शन हुए हैं। लोग घरों से निकल के रास्तों पे आ गए और प्रदर्शन जोरों से कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है टर्की में, ऐसा कई एनालिस्ट लोगों का मानना है और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी है। आगे चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, अगर हम बात करें इस तरफ रुक करें, तो इंडोनेशिया में एक नया कैपिटल सिटी बनाया जा रहा है, प्लांड कैपिटल सिटी, राजधानी जिसको बोलते हैं, नुसंतारा, जो बोर्नियो के जंगलों में बनाई जा रही है। लेकिन वहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं, मतलब एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि लोग जकार्ता से वहाँ क्यों जाएंगे। हालांकि इंडोनेशियाई सरकार ने तो बोल दिया है कि जकार्ता राष्ट्र की वो राजधानी नहीं रहेगा। लेकिन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऑयल और गैस के सेक्टर में कुछ 5 अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है साउथ ईस्ट एशिया में, खास करके फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज और ऑफलोडिंग को लेके। तो उसमें ऑयल एंड गैस के जो इंटरप्राइजेज़ हैं उनकी नज़र पैनी, वो जमा के बैठे कि किस तरीके से इसमें बिडिंग की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। और जापान और कैनेडा के बीच एक समझौता शायद हो सकता है, कुछ कोलैबोरेशन ईवी बैटरी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होते हैं उसमें जो मेटल्स यूज़ होते हैं उसकी सप्लाई चेन को लेके। और सबसे बड़ी खबर जो भारत से आ रही है कि ड्रैगन फ्रूट, जिसको कमलम का नाम दिया गया है भारत में, उसकी खेती जो फिलहाल 3,000 हेक्टरों में फैली हुई है, उसको बढ़ा के आने वाले दिनों में कुछ 50,000 हेक्टर तक ले जाया जाएगा। तो कमलम की खेती भारत में बढ़ेगी, इसकी भी एक बात है। अब आगे चलते हैं मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर जो खबरें आ रही है, ये सबसे बड़ी एक एनालिटिकल पीस कमेंट्री वहाँ की मीडिया में जो चल रही है, वो ये है कि रशिया पे जो सैंक्शंस लागू किए गए उसके चलते किस तरीके से पूरा जो ऑयल प्राइस का एक पिवोटिंग प्रेरोगेटिव जो है, मतलब ऑयल प्राइस किस तरीके से डिसाइड होने चाहिए, उसका जो एक रसूख या उसका जो एक वर्चस्व है, वो कैसे यूरोप से एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये बहुत ही अच्छी कमेंट्री है, मुझे लगता है कि बिजनेस जर्नलिस्ट और ऑयल एंड गैस सेक्टर ट्रैक करने वाले लोगों को पढ़नी चाहिए, और क्योंकि इसकी वजह से शायद आने वाले दिनों में, और कल एक खबर आई थी कि सऊदी अरब को ने अपना जिस तरीके से प्रॉफिट बनाया जो प्रोडक्शन की बात है, तो शायद आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस कम होंगे जैसे दिख रहा है अभी। तो ये शायद जो इन्फ्लेशन ड्रिवन जो प्रॉब्लम्स है इंडिया में, हालांकि आने वाले चुनाव 2024 में चुनाव है, तो ये हो भी सकता है कि कम ऑयल प्राइस वाले, तो पेट्रोल और डीजल शायद कम भाव पे मिल सकता है। देखते हैं सरकार कैसे इस तरीके को इस प्राइसिंग को लेती है और क्या करती है इस दिशा में, लेकिन ये हो सकता है, इसकी संभावना है। लेट अस वेट एंड वॉच। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। कतार एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा है, आर्म्स बायर के तौर पे उभर रहा है, क्योंकि कतार के पास गैस प्रोडक्शन है, एलएनजी प्रोडक्शन है, तो उस तरीके से वो अपने एसेट सिक्योर करना चाहता है। फिलहाल जो माहौल चल रहा है रशिया चाइना, ये जो वॉर की जो परिस्थिति है, ईरान का क्या होने वाला है वहाँ पे, जिस तरीके से कोरिया और वहाँ से खबरें आ रही है नॉर्थ कोरिया से, तो कतार अपना कुछ सब कुछ थोड़ा सेफ करना चाहता है। रमज़ान के चलते हुए प्राइवेट सेक्टर के लिए नए जो उनके जो कार्य करने के जो टाइम वगैरह जो होते हैं उनके बारे में घोषणा सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने की है। और जॉर्डन के शाही परिवार में शादी हो रही है, ये शायद मिडिल ईस्ट की अगर आप सुर्खियाँ देखें मिडिल ईस्ट के अखबारों की, तो ज़्यादातर सुर्खियाँ इन्हीं मुद्दों को लेके हैं। आगे चलते हैं, तो अफ्रीका में क्या हुआ है। अफ्रीका में इंटरेस्टिंगली जिम्बाब्वे के एक सरकारी अधिकारी को इंक्रीमेंट जो होता है, ईयरली इंक्रीमेंट जिसको अप्रेजल्स बोलते हैं, वो कुछ $50 का दिया गया। तो बंदे ने ना बोल दिया कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय मूल्य में गिने तो ये करीबन 400 रुपया होता है महीने का। तो देखिए अब क्या है, सब जगह पे यही सीन चल रहा है। इनकी बेस सैलरी क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन $50 के इंक्रीमेंट को इन्होंने मना ना कर दिया है।
इंडियन टेक फर्म जोहो जो है वो केनिया में कुछ बिजनेसेस में अपनी नज़र जमा के बैठी है और आने वाले दिनों में केनिया में कुछ घोषणाएं कर सकती है, ऐसी एक रिपोर्ट अफ्रीकन मीडिया में आई है। और साथ ही साथ केनिया की जो अथॉरिटीज़ है वो जाम्बिया के साथ मक्के के इम्पोर्ट्स, मकाई का जो इम्पोर्ट होता है उसको लेके कुछ आगे बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बिजनेस की दुनिया की अच्छी खबर है। लेकिन ज़्यादातर छोटे व्यापारी, जैसे भारत में भी छोटे व्यापारी परेशान हैं फिलहाल, जो समस्या है GST को लेकर जिस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी केन्या में भी परेशान है। और जिस तरीके से नए टैक्स लॉज लागू किए गए उसको लेके वो लोग परेशान है और वो मना कर रहे हैं कि हमको ये टैक्स लॉज नहीं चाहिए, टैक्स प्लान्स हमको नहीं चाहिए। अफ्रीका में एक सबसे बड़ा, अफ्रीकी मीडिया में एक आज ओपिनियन पीस एक बहुत बड़ा है वैगनर ग्रुप को लेके, रशिया का वैगनर ग्रुप है उसको लेके चिंताएं जताई जा रही है, क्योंकि अफ्रीका में जिस तरीके से हिंसक वारदातें सामने आती है, बोको हराम ग्रुप है, ये सब जो अलगारवादी ग्रुप जिस तरीके से काम करते हैं, तो ये वैगनर ग्रुप की जो प्रेजेंस है, रशिया का वैगनर ग्रुप है जो उसको माना जाता है कि वो क्रेमलिन के बहुत ही करीब है सिक्योरिटी को लेकर, और मर्सिनरीज की कुछ टीम है वहाँ पे, तो ये इस मीडिया में, इस मीडिया के ओपिनियन पीस में लिखा गया और उसको लेके अफ्रीका में बहुत ही बड़े जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज की अगर असर आपको देखनी हो तो अफ्रीका के मीडिया में आज एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेटिव अच्छा पीस आया है जो कहता है कि कॉलेरा क्यों बढ़ रहा है अफ्रीका में, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे बाढ़ के हालात बने हैं, तो फ्रेश वाटर सोर्सेज नहीं है, तो उसकी वजह से कॉलेरा का व्याप अफ्रीका में बढ़ रहा है। नोटबंदी हमारे देश में भी हुई थी लेकिन नाइजीरिया ने कैसे किया, नाइजीरिया नई नोट्स लाया, लेकिन नाइजीरिया की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कह दिया कि हम पुरानी नोट्स भी एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसे नोटबंदी की जाती है। नाइजीरिया जैसा देश भी मतलब नोटबंदी करने के समय कुछ सही ढंग से, सही तरीके से अपने निर्णय लेता है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें यूरोपियन मीडिया की, तो अकुस की जो कमेंट्रीज है उसके अलावा यूरोपियन मीडिया में ज़्यादातर आज खबरें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके है, किस तरीके से यूरोप टाइडल एनर्जी को लेके अपने मतलब प्लान्स आगे लेके जाना चाहता है, हालांकि बहुत ही कॉस्टली प्लान्स है, उसमें कीमत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि उनके पास नदियाँ हैं तो समंदर है सब कुछ है, तो टाइडल एनर्जी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वेल्स में विंड एसेट्स फ्लोट किए गए हैं, और आगे स्पेन और इटली किस तरीके से अपने क्लीन एनर्जी की प्रायोरिटीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसके ऊपर भी बात और चर्चा ज़्यादातर यूरोपीय और यूके के मीडिया में चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका द लैंड ऑफ ड्रीम्स, द अमेरिकन ड्रीम, अगर उसकी हम बात करें तो मरीन हीट वेव समंदर की सतह को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी को लेकर सबसे बड़ी खबर है यूएस से जो आ रही है। और साथ ही साथ अगर हम कैनेडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वॉक्सवैगन जो अपना एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे चालू करने की कगार में आने वाले दिनों में वो हो सकता है। और ऑनलाइन न्यूज़ को लेके जो नए कानून कनाडा में आए हैं, जहाँ पे लेके ये सोशल मीडिया में जो खबरें चलती है और कुछ खबरों की जो मतलब मीडिया संस्थानों ने कहा था कि हमें नुकसान हो रहा है, तो इसको लेके भी इसकी बहुत जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो अगर हम कनाडा यूएस मैक्सिको की बात करें तो ये सब ज़्यादातर बड़ी खबरें हैं। ऑफकोर्स अकूस और रशिया यूक्रेन वॉर और ये सब, और सिलिकन वैली बैंक को निकाल के अगर बात करें तो ये कुछ मोटी मोटी खबरें हैं। और अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका और कैरिबियंस की, तो वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस की खबरें आ रही है। ट्रिनिडाड और वेनेजुएला आने वाले दिनों में 4.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस की खदान के लिए एक जॉइंट वेंचर करने जा रहा है, ऐसी बात है, दोनों सरकारें मतलब एक जॉइंट वेंचर करके इसमें आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ ब्राज़ील के जो किसान हैं, ब्राज़ीलियन फार्मर्स, उन्होंने सोया हार्वेस्ट को लेकर 53% मतलब अचीवमेंट किया है। तो ये ज़्यादातर जो हेडलाइंस है लैटिन अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट से अगर हम देखने जाए तो ये है। और बात करते हैं अब पैसिफिक आइलैंड्स और पोलर रीजन्स की, तो पैसिफिक आइलैंड्स में क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंगली अकूस की कमेंट्रीज तो है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि सबमरीन डील जो हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसुजू ने नए ट्रक्स लॉन्च किए ऑस्ट्रेलिया में, और एक नया होटल एडिलेड में खुला है वाइनडैम ग्रुप का, और वाइनडैम ग्रुप भारत में भी बहुत जगह पे मतलब एक्टिव है, रामाडा ग्रुप जो है वो उसी का पार्ट है, और वाइनडैम ग्रुप का एक नया होटल खुला है एडिलेड में, और एक हीरो की खदान कनाडा में एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने हस्तगत कर ली अपने दम पे, तो ये खबरें हैं ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादातर। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में
जासूसी संस्थाएं एक होने जा रही है। मतलब यहां पे आप स्टेट की सीआईडी और सीबीआई या रॉ को एक कर दीजिए, ऐसी बात वहां पे आ रही है, या निया को उसके साथ जोड़ दीजिए, तो वहां की जो जासूसी संस्थाएं, दो जासूसी संस्थाएं, वो एक होने जा रही है, क्योंकि वहां पे उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, ओवरऑल है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। और अगर हम बात करें तो दूसरी एक बड़ी खबर न्यूजीलैंड से ये भी आ रही है कि पानी को ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब एज अ फ्यूल, मतलब आप अपनी मोटरसाइकिल में पानी भर के एज अ फ्यूल चला सकते हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसकी एक बड़ी खबर न्यूजीलैंड हेराल्ड में की गई है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब अगर ये होता है तो शायद आपको ये जो 100 रुपये वाला पेट्रोल है वो भरवाना नहीं पड़ेगा अपनी गाड़ियों में। और न्यूजीलैंड से और एक खबर है कि वहाँ पे स्कूटर्स और बाइक्स जो होते हैं उनको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से निकाला गया है, उनके जो प्रोविजंस हैं। तो ये सब ज़्यादातर खबरें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में। और आगे बात करते हैं पोलर रीजन्स, मतलब एंटार्क्टिक और आर्टिक रीजन, वहाँ से क्या खबरें। तो रशिया आने वाले दिनों में 100 मिलियन टन्स LNG 2030 तक आर्टिक में से निकालने के प्लान में है, और उसके लिए एक टर्मिनल वो बना रहे हैं जिसको करीबन 2026 तक किया जाएगा। तो मोटी मोटी खबरें अगर पूरे देश की, पूरी दुनिया की ये बात करें तो ये। भारत में आज अगर खबरों की बात करें तो ऑस्कार्स का जो बात है वो तो ऑस्कार्स का तो फीवर लगा, मतलब जिस तरीके से चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर अपने कुछ लो पे चले गए, तो कई सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अदानी और अंबानी दोनों के शेयर्स आजकल कुछ नीचे चल रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात में क्या हो रहा है ये भी बात कर ले, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात में भी क्या बड़ी खबर है अगर देखने जाए तो जो अंबाजी माता जी का जो मंदिर था जहाँ पे मोनथाड़ का जो प्रसाद दिया जाता था उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। वो प्रसाद को बंद करके वहाँ पे आदेश थे तंत्र के कि चिकी दी जाए प्रसाद में, और भक्तों ने उसका विरोध किया था। तो आज अल्टीमेटली सरकार और मंदिर के बीच के जो लोगों की जो बैठक हुई उसमें ये तय हुआ कि मोनथाड़ भी प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। हालांकि वो परंपरागत एक प्रसाद का स्वरूप है और भक्तों की एक आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है, और चिकी भी दी जाएगी। तो ये सब खबरें देश दुनिया और राज्य से आने वाले दिनों में। हम और भी ज़्यादा खबरें लेके आएंगे, कई महत्व के मुद्दों के ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये हमारे एक ट्रायल काइंड ऑफ रन्स है, तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों का फीडबैक आता है, क्या हमको इम्प्रूव करना है। तो ये एक खबर है आज पूरे दिन की, और ये आप देख सकते हैं datelinegujaratnews.com पे। तो जुड़े रहिए datelinegujaratnews.com पे और खबरें देखते रहिए देश दुनिया और गुजरात से। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।